मुद्दे पर अमित शाह आएंगे। वहीं आपको बताया कि बीजेपी कोर ग्रुप की वो बैठक भी लेंगे। तो अगली खबर आपको बता रहे भोपाल से, खेलो इंडिया खेलो यूथ गेम 2022 का जो आज है वो मैस्कॉट और टॉर्च का होगा अनावरण। आपको बता दें केंद्र खेल मंत्री निश्चित प्रमाणिक होंगे विशिष्ट अतिथि। वहीं आपको बता दें सीएम शिवराज सिंह चौहान भी यहां पर मौजूद नजर आएंगे। तो खेलो इंडिया थीम सॉन्ग होगा रिलीज। वहीं साथ ही आपको बताया कि खेलो इंडिया 2022 के पांचवें संस्करण की मेजबानी कर रहा है मध्य प्रदेश। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी 30 जनवरी से 11 फरवरी तक खेलों का आयोजन लगातार होता रहेगा। वहीं आपको बताया कि प्रदेश के 8 शहरों में 23 गेम वेन्यू में 6000 खिलाड़ी करेंगे उत्कृष्ट प्रदर्शन। वहीं आपको बताया कि शाम 6 बजे भोपाल के शौर्य स्मारक में आयोजित होगा रंगारंग कार्यक्रम। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, सीएम शिवराज भी इसमें शामिल होते नजर आएंगे, केंद्र खेल मंत्री निश्चित प्रमाणिक भी यहां पर आपको बता दें अतिथि होंगे, सीएम शिवराज सिंह चौहान उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। तो खेलो इंडिया थीम सॉन्ग भी रिलीज किया जाएगा। कुलभूषण सक्सेना हमारे साथ तो जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। कुलभूषण, क्या कुछ तैयारियां यहां पर चल रही है इसको लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज केंद्रीय खेल मंत्री नीतीश प्रामाणिक जो है वो खेलो इंडिया सॉन्ग का रिलॉन्चिंग करेंगे, रिलीज करेंगे। और वहीं अगर हम बात की जाए, क्योंकि 2023 में कई बड़ी सौगातें मध्य प्रदेश को मिलने जा रही है और उन सौगातों में प्रवासी भारतीय सम्मेलन है, इन्वेस्टर समिट है, G20 की बैठक है और खेलो इंडिया का जो आगाज मध्य प्रदेश ने किया है। हालांकि इसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खेलो इंडिया का एक बैनर पोस्टर रिलीज किया था। इस पोस्टर में अगर बात की जाए तो महाकाल से लेकर जो मध्य प्रदेश में चीते लाए गए थे, ऐसे चीते का जो है बैकग्राउंड में फोटो दिया गया था। प्रदेश के 8 शहर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और खरगोन महेश्वर में जो है इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। एक गेम साइकिलिंग दिल्ली में होगा। पहली बार जो है वाटर स्पोर्ट्स अर्थात कायकिंग, केनोइंग और केनो सलाम और तलवारबाजी जो है खेलो इंडिया गेम्स के इस संस्करण में हिस्सा होंगे। क्योंकि अभी तक अलग अलग जो स्पोर्ट्स की गतिविधियां होती थी, जो कार्यक्रम होते थे, लेकिन मध्य प्रदेश में अब जो वाटर एडवेंचरिंग के दौरान और क्योंकि मध्य प्रदेश को झीलों की नगरी कहा जाता है और इसमें लगातार जो है कायकिंग, केनोइंग और केनो सलाम जो स्पोर्ट्स होते थे, तलवारबाजी होती थी, उसे भी जो है अब खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत रखा गया है। तो 30 जनवरी से 11 फरवरी को जो है भव्य खेलों का आयोजन होना है और इसको लेके तैयारी जोरों शोरों से है। आज इसका जो थीम सॉन्ग है उसको मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रिलीज करेंगे। कुलभूषण, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जो खिलाड़ी है वो कितने उत्साह है उनमें इस बार, क्योंकि जो ये खेलो इंडिया यहाँ पर मध्य प्रदेश में हो रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश सहित अलग अलग राज्यों से जो है खेलो इंडिया गेम्स में स्पोर्ट्स की गतिविधियों में जो खिलाड़ी हैं वो हिस्सा लेंगे। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो पहली बार ये आयोजन किया जा रहा है, स्वाभाविक सी बात है, मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है, मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों की गौरव की बात है, क्योंकि अपनी जमीन में खेलने का एक अलग ही उत्साह खिलाड़ियों में देखने को मिलता है। एक तो इसको लेके अगर बात की जाए तो खिलाड़ियों में उत्साह है, वो इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है ये गेम्स शुरू होंगे, क्योंकि अपनी सरजमीन, अपनी धरती पे जो है मध्य प्रदेश के खिलाड़ी खेलो गेम्स इंडिया के तहत हिस्सा लेंगे। तो 30 जनवरी से जो है इस खेलो इंडिया की शुरुआत होने जा रही है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार जो है इसकी मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग मंत्रियों को भी जो है इस गेम की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने दी है। ठीक है कुलभूषण, आप मेरे साथ बने रहिए, फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है उससे अपडेट करा दे इस वक्त की बड़ी जानकारी।